नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रश्मि पांडे और आप देख रही हैं न्यूज 30 एक्सप्रेस। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। झांसी के उल्दन थाना क्षेत्र के बासर गांव में पानी भरने के विवाद में दो पक्षों में हुए विवाद के बाद एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के लोगों पर एसिड से हमला कर दिया। घटना मंगलवार देर रात की है, जब एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के घर को घेर लिया। घर में मौजूद लोगों ने छत पर चढ़कर विपक्षी लोगों पर तेजाब फेंक दिया। घटना में 23 लोग झुलसे हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। राजेश सोनी ने किस बात के ऊपर झगड़ा हुआ था आपको? पानी में विवाद चल रहा था, बीच बचाव किया। अच्छा, बीच बचाव होने के बाद जैसे वो घर पे गया, बोतल लिया और मतलब आप लोगों से कोई झगड़ा नहीं था? आप लोगों बीच 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 में बचाव करने वाले हैं, इसी बात को उसने इतना तेज़ कुल कितने लोग लगभग घायल हुए हैं? 40 लोग। बालक भी है। अच्छा, छोटा बच्चा भी हुआ है, 2 साल का बच्चा, उसका भी हुआ, उसकी आंख में चला गया। हाँ, चेहरे पे वो 4 लोग मतलब अस्पताल में, 4 लोग अस्पताल में, यहाँ से मैं बहती है पूरा, मुंह से आंखों से कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। अच्छा, गंभीर रूप से घायल है। ठीक। घटना के बाद गाँव में हड़कंप मच गया है। घटना की जानकारी पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की पड़ताल शुरू कर दी है। इस मामले में एसिड अटैक करने वालों के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया है और 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मामले में फरार चल रहे लोगों की पुलिस तलाश कर रही है। यहाँ से पानी जाता है उस साइड, और बस शाम को हम लोग ऐसी बातचीत कर रहे थे तो उसने आया तो अंदर उसके तेजाब छिड़क दिया हम लोगों के ऊपर। 40 लोग थे हम लोग। एसपी सिटी राहुल श्रीवास्तव ने बताया कि दोनों पक्षों में पानी भरने के विवाद के बाद एक पक्ष जो सोने चांदी का काम करता है, उसने छत पर चढ़कर जेवर साफ करने वाला केमिकल दूसरे पक्ष के लोगों पर फेंक दिया। पीड़ित पक्ष की तहरीर पर 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। शेष फरार लोगों की तलाश की जा रही है। थाना उल्दन क्षेत्र के गांव बसार में कल रात को दो पक्षों में पानी भरने को लेकर के विवाद हुआ है, जिसमें एक पक्ष जो कि पेशे से उनकी सोने चांदी की दुकान है, उनके द्वारा जो जेवर साफ करने का केमिकल है वो छत पर चढ़कर दूसरे पक्ष के लोगों के ऊपर फेंका गया है, जिससे कुछ लोग घायल हुए हैं। पुलिस के द्वारा जो घायल पक्ष है उनका मेडिकल प्राथमिक उपचार करा करके और वाड़ी की तहरीर लेकर के अभियोग पंजीकृत किया गया है। नामजद 6 लोगों में से पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और शेष अभियुक्तों को भी शीघ्र गिरफ्तार कर लिया गया है।